एसके ब्लॉग गाइस एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। चलिए आज का एपिसोड अभी यहाँ से शुरू होता है। मैं ये अभी नारायण घाट रोड में मैं आया था, मतलब शहीद स्मारक पार्क है इधर ही मैं आया था। अभी इधर से मैं निकल रहा हूँ थोड़ा के लिए, लेकिन मज़ा आ गया यार इधर का रोड और क्या बोले रोड देख के, उसके बाद शहीद स्मारक का जो सीन है वो देख करके गजब का सीन है यार। शहीद स्मारक वाकई में देखने लायक है गाइस, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ लोग बोलते हैं, सच में देखने लायक है शहीद स्मारक। बस यही है कि हाँ बारिश यार बार बार हो रहा है, बारिश अभी थोड़ी देर पहले इधर रुकी हुई है, नहीं तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी गाइस। पहाड़ी इलाका में यही है ना कि जहाँ पे हरियाली ज़्यादा मिलती है वहाँ पे बारिश तो पूछो मत, बारिश होना ही होना है, उसके लिए तो कोई ये नहीं है। लेकिन सीन मस्त है यार जो भी है, बाकी आगे का सीन आप इंजॉय करो गाइस। एक्चुअली ये है क्या कि जो मेरा मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो मेरा कैमरा है जैसे कैम 6 लेजेंड है, जो मेरा डिस्चार्ज हो चुका था, ये मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्वालिटी में ये है, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ नहीं है, है उसमें है क्या कि कैमरा में क्या जायरो स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है, तो मतलब शेकी वीडियो नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत तो हो रहा है, बट वो भी नहीं कहा जाएगा, इतना तो चलता ही है। रोड ख़राब रहता, रोड सही नहीं रहता तब दिक्कत था, लेकिन रोड तो एकदम सही है तो रोड के लिए दिक्कत नहीं है। बाकी जो है सो बढ़िया है यार, इधर भी एक आपको सस्पेंशन ब्रिज भी इधर भी है, एक इधर भी आप आ सकते हो सस्पेंशन ब्रिज पे चढ़ने के लिए। मेनली इधर का है गाइस ये जो नारायण घाट रोड है, इसी रोड में आपको आगे आओगे तो आपको शहीद स्मारक मिलेगा, और यही रोड आगे चली जाती है पोखरा की तरफ। रोड मतलब पोखरा के लिए बीच में एक जगह ऑफ रोड है, बट वो भी चलेगा गाइस, वो ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बढ़िया है रोड कंडीशन गाइस नेपाल का बढ़िया लगा अपने को। कि एक्चुअली है क्या है कि रोड का कंडीशन इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे जो भी है ट्रांसपोर्ट का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है यहाँ पे बाय रोड ही है और बाय फ्लाइट है, तो फ्लाइट तो सभी कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट बाय रोड तो कोई भी लेके जा सकता है, कोई भी लेके आ सकता है, तो बाय रोड के लिए दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी है अपना मतलब बस चार चक्का ट्रक यही है जो कि ट्रांसपोर्ट का जरिया है। मौसम यार इस वक्त इवनिंग का टाइम है, मौसम भी बेईमान है एकदम, मौसम लग रहा है कि एकदम पूरा छाया हुआ है, गजब का मौसम है यार वाकई में गाइस। नेपाल घूमने वाला है, कभी आओ तो गाइस जरूर घूमो, फिर नियर बाई में कभी आओ तो यार नेपाल घूमने वाला जगह है, कभी आओ तो घूमो जरूर यार नेपाल। नेपाल में सब कुछ छुट्टा चलता है गाइस, नेपाल के लिए दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे है क्या कि ट्रैफिक नियम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, बिना हेलमेट के अगर कहीं भी निकल लोगे तो आपको ट्रैफिक वाले धर लिए तो समझो कि आपका चलान कटा ही कटा, आपको ट्रैफिक स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ से गाड़ी छुड़ाना पड़ेगा। क्योंकि मेन मैटर ये हो जाता है कि लैंग्वेज उन लोगों का, लैंग्वेज तो नेपाली बोलते हैं तो जो नेपाली जानते हैं वो तो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे, मतलब बात करके अपना जो मैटर है संभाल सकते हैं, लेकिन जिसको नेपाली नहीं मालूम है तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। इसीलिए गाइस यहाँ पे हेलमेट एकदम कंपलसरी है, अपने यहाँ तो गाइस बिना हेलमेट का कोई भी निकल लेता है, लेकिन यहाँ पे हेलमेट चाहिए ही चाहिए, चाहे 10 कदम के लिए निकलो या 20 कदम के लिए निकलो या 200 किलोमीटर के लिए निकलो, लेकिन हेलमेट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई आपका रास्ता नहीं है गाइस।
हेलमेट एकदम कंपलसरी है गाइस। लेकिन है गाइस देखने वाला सही ना यार यहाँ पे। अभी तो मेन मैं सीन कवर नहीं कर पाया क्योंकि क्या बोले अभी इवनिंग हो गया, फिर अपने को रिटर्न भी होना है। फिर नेक्स्ट ट्रिप जब बनेगा तो नेक्स्ट ट्रिप बनेगा तो 4-5 दिन के लिए ट्रिप बनेगा, 5 दिन कम से कम। तो फिर नेक्स्ट ट्रिप में पूरा पोखरा काठमांडू ये सब कवर करेंगे, बट अभी के लिए गाइज यही रहेगा, असुविधा के लिए खेद है। बट बस मैं इस पर्पज़ से ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ का बहुत लोग बोलते हैं कि रोड सही नहीं है, ये है वो है, बट रोड गाइज यहाँ पे रोड एकदम, रोड का कंडीशन एकदम मक्खन जैसा है। रोड का कंडीशन कोई ये नहीं है कि हाँ रोड आपको ख़राब मिले। रोड बस वहीं, आप अगर पोखरा जा रहे हो, काठमांडू जा रहे हो, तो एक जगह, एक या दो जगह ऑफ रोडिंग मिलेगा, बट उतना तो चलता ही है गाइस। इतनी इंडिया में तो पूछो मत यार, इधर रोड बनता है तो उधर टूटता है, लेकिन यहाँ पे जो भी है रोड ही जरिया ट्रांसपोर्ट का, तो यहाँ पे रोड मेंटेन करके रखते हैं, यहाँ गवर्नमेंट रोड को करके रखती है। लेकिन मस्त है यार, देखो यार आसमान में देखो यार, एकदम नीला नीला आसमान, बादल देखो एकदम। पूरा एकदम तगड़ा वाला सीन है गाइस।